हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 40.2। अब बच्चों साथ ही साथ आपके लिए खुश खबरी है कि हमारा जीनियस क्लासेस का एक ऑफिशियल ऐप आ चुका है प्ले स्टोर में। किस नाम से? जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध के नाम से। तो वहां जाके आप उस ऐप को कर लेना डाउनलोड। वहां पर अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है x square plus xy minus x minus y। तो इसको हमने क्या करना है? फैक्टराइज। और बच्चों ये एक्सरसाइज है, ये वाला किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ग्रुपिंग के ऊपर बेस्ड है कि ग्रुप करके हमको क्या करना है? फैक्टराइज। पहले वाला क्वेश्चन हम सिंपली क्या करते हैं? सिंपल कॉमन लेते हैं। लेकिन अब क्या करना है? अब हमको करना है ग्रुपिंग करना है, उसके बाद क्या करना है उसको फैक्टराइज करना है। तो हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको हमने ग्रुपिंग करके क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो ग्रुप के लिए हम पहले इन दोनों का बना लेते हैं ग्रुप, उसके बाद इन दोनों का बना लेते हैं ग्रुप। आपकी मर्जी है, इन दोनों का भी बना सकते हो ग्रुप, लेकिन आंसर सही आना चाहिए बच्चों। तो इन दोनों का बना लिया ग्रुप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ पर बना दिया माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने प्लस क्यों किया? मेरी मर्जी ना, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बाहर नेगेटिव साइन है, ये जो है अंदर के साइन को चेंज करने की क्या लगता है? पावर। जब हम उसको जो ये इक्वेशन है इनको हम ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगी उसके बाद माइनस साइन और अंदर है। और जैसे कि क्वेश्चन हमने लिख ली एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और इसको हमने रखना है ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज रहेगा। और इसको ध्यान से समझने के लिए मैं आपको आगे अपने अगली वीडियोस में आपको इसके बारे में पूरा करूंगा क्लियर। तो अभी तक आप जानना बस इतना जानना जरूरी है कि किसी भी क्वेश्चन के बाद माइनस है और उस इक्वेशन को हम रख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उसका अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बस। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इधर से हमारा कॉमन क्या है? एक्स। तो एक्स को हमने ले लिया, और अंदर क्या बचेगा हमारा? एक्स प्लस वाई। अब ये भी मैं बताऊं कि एक्स क्यों बचेगा, इतना तो आपको पता है ना, मैं बता रहा है पर फिर भी बता देता हूँ कि एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स। फिर जब मैं एक्स को बाहर ले गया तो एक ही तो एक्स बचेगा, तो हमारा एक्स प्लस वाई माइनस। आप इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? वन, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसका क्या? वन। तो यहाँ वन आ गया और यहाँ साथ ही एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हमारा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है? कॉमन है, तो उसको हम लिया है बाहर। और अंदर हमारा क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। और ये बच्चों आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब हम आते हैं फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पर, जो हमारा y square minus yz minus 5y plus 5z। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। तो पहले इसका ग्रुप बना लेते हैं और फिर इसका ग्रुप बनाएंगे हम। तो हमारा ग्रुप बन गया y square minus yz। फिर साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और ग्रुप बनाएंगे minus 5y minus 5z। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बच्चों कहीं भी किसी भी इक्वेशन के आगे माइनस का साइन है और उस इक्वेशन को हम ब्रैकेट अंदर ले तो वो अंदर के साइन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो उसने साइन कर दिया चेंज। तो अब हम लेते हैं यहां से कॉमन। तो इधर से कॉमन हमारा क्या आ रहा है? y। तो y को ले लिया हमने बाहर, अंदर बचेगा हमारा y माइनस z माइनस इधर हमारा कॉमन क्या है? 5। तो 5 ले लिया हमने बाहर, अंदर हमारा बचेगा y माइनस z। तो सिंपली यहां दोनों साइड हमारा y माइनस z क्या आ रहा है? कॉमन। तो इसको हम ले लेते हैं बाहर और अंदर हमारा क्या बच रहा है? y माइनस 5। और ये हमारा सिंपल सा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले पार्ट पर, जो है हमारा 5xy plus 17y minus 5y square minus 7x। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? यहाँ हमारा 5xy, अब हमको बनाने हैं ग्रुप्स और ग्रुप जैसे सही बनाने ताकि हमारे सही सही एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल जाए। तो शायद हम
पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम इसका और इसका ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद इसका और इसका ग्रुप बना देंगे। तो हमारा एक ग्रुप क्या बन गया, 5xy माइनस 7x, और दूसरा ग्रुप क्या बन गया हमारा, क्या बन गया बताओ तो सी, कैसे बताओगे सर, आप तो वीडियो में बोल रहे हो ना, लाइव तो चल रहा, सॉरी। तो दूसरा ग्रुप बन गया हमारा 5y² प्लस 7y, तो और साथ ही साथ हम हमारा साइन हो जाएगा, पहले मैं सिंपल इसको लिख लेता हूं, इसका ग्रुप कैसे बनेगा, एक बन जाएगा हमारा 5xy माइनस 7x का, और एक बन जाएगा हमारा माइनस 5y² प्लस 7y का। तो अब हम करते हैं इसकी ग्रुपिंग, एक हो जाएगा हमारा 5xy माइनस 7x, आइए माइनस का साइन है तो ये दोनों साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों साइन हमारा कॉमन क्या है, तो इधर हमारा कॉमन है x, तो x को हम ले आए थे बाहर, अंदर बचेगा हमारा 5y माइनस 7 माइनस, इधर हमारा कॉमन क्या आ रहा, y कॉमन आ रहा, तो y हम ले आए बाहर, अंदर बचेगा हमारा 5y माइनस 7, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 5y माइनस 7, तो इसको हम ले आते हैं बाहर, और अंदर बचेगा हमारा क्या, x माइनस y। और हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं चेक, थोड़ा टाइम लग रहा है जरा आंसर को आने पे, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही जवाब आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर, जो है हमारा 5p² माइनस 8p³ माइनस 10p प्लस 16q, और अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम करते हैं पहले ग्रुपिंग, तो हम इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, तो एक बन गया हमारा 5p² माइनस 8p³ का, और दूसरा बन गया हमारा माइनस 10p, अभी प्लस का साइन है, अब बाहर क्या माइनस का साइन, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा नेगेटिव का साइन, यहाँ पर 16q। तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, सो इस उसमें हमारा कॉमन क्या है, पी कॉमन है, तो पी को ले लेते हैं हम बाहर, अंदर बचेगा हमारा 5p माइनस 8q माइनस, यहां पर कॉमन हमारा क्या है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10, और 2 8 का जाता है 16, तो 2 को हम जाते हैं बाहर, अंदर बचेगा हमारा 5p माइनस 8q, तो यहां पर हमारा है 5p माइनस 8q, दोनों साइड कॉमन है, तो इसको हम जाते हैं बाहर, और अंदर हमारा बचेगा p माइनस 2। So, हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट पर, जो हमारा a² b माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b, और हम करते हैं इसको सॉल्व। तो बच्चों इसको क्या करते हैं हम सॉल्व, तो यहां पर हमारे एक ये ग्रुप बन रहा है और एक ये ग्रुप बन रहा है, तो इसको हम करते हैं ग्रुप के फॉर्म में लिखते हैं a² b माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b। तो इधर से हमारा कॉमन क्या है, एक तो हमारा यहाँ a की पावर 1 या b की पावर 1, तो यहां पर कॉमन क्या है, a और b कॉमन है, तो इसको हमने ले लिया बाहर, अंदर बचेगा हमारा a माइनस b, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए इंटू ए होता है, बी स्क्वायर हमारा होता है बी इंटू बी, तो ऐसे हम एक एक ए और बी को हम ले आए बाहर, तो अंदर हमारा एक एक बचेगा, प्लस यहां पर कॉमन हमारा क्या दिख रहा है आपको, 3, तो 3 को हम ले आए बाहर, अंदर हमारा बचेगा ए माइनस बी, तो इन दोनों में कॉमन हमको क्या आ रहा है नजर, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को ले आते हैं हम बाहर, और अंदर बचेगा हमारा ए बी प्लस 3, और ये आंसर हम देखते हैं कि सही है या नहीं, बिल्कुल सही है सर, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर, जो है हमारा x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3, और अब हम करते हैं इसको सॉल्व।
तो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर एक हमारा ए ग्रुप बन गया और यहाँ रहा ए ग्रुप बन गया, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो दो ग्रुप बन गया हमारे। अब हम कैसे देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, छोटी पावर है, यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन है ना, बस इसलिए पावर में थोड़ा डिफरेंस है। तो हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया बाहर दोनों में से, क्योंकि एक्स क्यूब को हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर को लिया हम बाहर, अंदर बचेगा हमारा एक्स माइनस थ्री प्लस, यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं है उसका क्या है, वन है, तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री आ गया। दोनों में हमारा कॉमन क्या है, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री को हम लिया है बाहर, और अंदर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका क्या आंसर हम करते हैं चेक। बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पहला पार्ट, जो है हमारा 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। तो इस क्वेश्चन को पहले हम नीचे लिखते हैं 6xy स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। सो इस क्वेश्चन में भी हम बनाएंगे दो ग्रुप और वो सिंपली बनाएंगे, तो यहां पर हमारा 6xy स्क्वायर, यहां पर हमारा 3xy, तो इनका एक बन गया हमारा ग्रुप, क्योंकि इनमें ज्यादा कॉमन कॉमन चीजें हैं, जैसे कि यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है, यहां पर y है, यहां पर भी y है, तो इधर से हमको सही सही कॉमन मिल जाएगा। तो पहले इनका बन गया हमारा ग्रुप, उसके बाद यहां माइनस साइन, यहां पर इन दोनों का बन गया ग्रुप 10y माइनस 5। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जब हम उनको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो इधर से भी हमारा कॉमन गया है, 5 कॉमन है, तो यहां से हमने लिया कॉमन 3x और ये y की पावर 1, तो अंदर हमारा 2y माइनस 1, क्योंकि 3 टू जो 6 होता है, तो 3 दो तरफ से ले लिया बाहर, अंदर बचा हमारा 2, ये था हमारा y स्क्वायर, y स्क्वायर में से एक y गया तो बचा हमारा एक y, और x हमारा पूरा गया बाहर तो कुछ नहीं बचा, तो यहां पर हमारा बना 2y माइनस 1 माइनस, इधर से हम लेंगे 5 कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा 2y माइनस 1। सो हम दोनों साइड कॉमन है हमारा 2y माइनस 1, इसको हमने ले लिया बाहर, और यहां बचेगा हमारा 3xy माइनस 5। तो ये सिंपली हमारा क्या आ गया आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पहले फोर्थ का सेकंड पार्ट पर, जो है हमारा 3x माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, तो उसको करते हैं हम सॉल्व। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे दो ग्रुप, हमारा पहला ग्रुप ये बन गया और दूसरा ग्रुप क्या बन गया, ये दोनों। सो इधर हमारा आया 3ax माइनस 6ay, यहां पर हमारा बन गया प्लस 4bx और माइनस 8by। अब हम देखते हैं दोनों साइड, मतलब इधर हमारा कॉमन क्या है और इधर हमारा कॉमन क्या है, अलग अलग होंगे पर देखते हैं। तो यहां पर हमारा 3ax, यहां पर 6ax, 6ax को हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, और 8 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। सो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा हमारा 3a, तो 3a को ले लिया हमने बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस 2y, यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा हमारा 4b, क्योंकि यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, और एक यहाँ पर दोनों साइड क्या है 4, तो 4b ले लिया हमने बाहर, अंदर बचेगा हमारा x माइनस 2। अब ये दोनों साइड कॉमन हमारा क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2, तो x माइनस 2 को ले लिया हमने बाहर, अंदर बचेगा हमारा प्लस 3a, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 3a प्लस 4b,
और ये सिंपल सा आ गया हमारा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वन प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। तो चलो इसको करते हैं हम सॉल्व। सो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस एक्स वाई को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पर हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई इंटू वन हमारा एक्स वाई होता है और एक्स वाई इंटू वाई होता है हमारा एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई क्यूब। तो यहां पर सिंपली हमारे दो ग्रुप बन गए, इनको करते हैं हम सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस यहां पर हमारा बन गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इधर से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है एक्स, और यहां पर आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर है नहीं एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर और यहां पर हमारा वाई क्यूब। तो इधर से हम एक्स को ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर होता है हमारा एक्स इंटू एक्स, एक एक्स हमने ले लिया बाहर, तो एक कितना बचेगा हमारा एक एक्स यहाँ पर प्लस वाई यहाँ पर भी प्लस ये हमारा है वाई क्यूब। वाई क्यूब आता है जब हमारा वाई स्क्वायर इंटू होता है वाई, तो वाई स्क्वायर को तो हमने ले लिया बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या क्या है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई वाई को ले लिया हमने बाहर और अंदर बचेगा हमारा एक्स प्लस वाई स्क्वायर और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में, जो भी हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही है। यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वन माइनस एक्स यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, बस इन दोनों में डिफरेंस इस चीज का है कि यहाँ पर है वाई और यहाँ पर हमारा एक्स। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। So, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले एक्स वाई को करेंगे यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई। तो इधर हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वन होता है हमारा एक्स वाई। अब देखो यहाँ आया है किसका साइन, नेगेटिव का साइन और यहाँ पर है हमारा नेगेटिव का साइन। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस और फिर हम करेंगे एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था पहले क्या कि जब हम किसी नंबर को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं मतलब किसी भी इक्वेशन को और उस इक्वेशन के बाहर है किसका साइन, नेगेटिव का साइन, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो सेम ऐसे जब हम उस इक्वेशन के ब्रैकेट को ओपन करेंगे और बाहर है किसका साइन, नेगेटिव का साइन, तो अंदर की साइन फिर से चेंज हो जाएगी। तो इधर हमारा था माइनस, इधर क्या हो गया प्लस। अब हम सिंपली इनका बनाते हैं ग्रुप, हमारा ग्रुप बन चुका है, एक बन गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक क्या बना हमारा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। सो इधर से हमारा कॉमन है वाई और इधर से हमारा कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिया बाहर कॉमन, तो अंदर बचे वाई लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा एक वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ हमारा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब आता है जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया बाहर तो अंदर क्या बचेगा हमारा वाई माइनस एक्स। अब दोनों साइड हमारा कॉमन वाई माइनस एक्स, तो अंदर हमारा क्या बचेगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट पर, जो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू बी यहां पर माइनस वन और अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सो बच्चो अब हम आते क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट पर, जो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो पहले हम इस b को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी यहां पर माइनस बी यहां पर माइनस वन।
सो हम इनका बना देते हैं ग्रुप, तो एक बन जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी, दूसरा बन जाएगा हमारा माइनस बी प्लस वन। अब देखो यहां किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है, यहां पर नेगेटिव का साइन है, तो जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा हमारा पॉजिटिव। सो इधर से हमारा कॉमन है ए और बी, क्योंकि यहां पर बी की स्मॉल पावर है वन, तो यहां बी स्क्वायर से मैं एक बी ले आ लूंगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा ए इंटू बी, अंदर बचेगा हमारा बी प्लस वन, और सेम ऐसा यहां से हम ले लेंगे कॉमन वन को, यहां अंदर बचेगा हमारा बी प्लस वन, जैसे यहां पर हमारा बी स्क्वायर था ना, तो बी स्क्वायर कैसा आता है हमारा बी इंटू बी, तो जब मैं एक बी को ले गया बाहर तो अंदर एक ही बी बचेगा, तो हमारा एक बी यहां पर बच गया। अब यहां इन दोनों से मैं बी प्लस वन को ले ही लूंगा बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा ए बी माइनस वन, और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर, जो है हमारा 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सो अब हम पहले यहां का बन गया हमारा 2a माइनस 4b का ग्रुप एक, और एक ग्रुप बन गया हमारा एक्स ए, अब देखो प्लस का साइन है बाहर, किसका साइन है हमारा माइनस का, तो यहां चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा माइनस 2bx। तो इधर से कॉमन है हमारा 2, क्योंकि 2 इंटू 2 2 टू 4 होता है, तो 2 को ले लिया हमने बाहर, अंदर बचेगा हमारा a माइनस 2b माइनस, इधर हमारा कॉमन क्या है x है कॉमन, तो x हमने ले लिया बाहर, अंदर बचेगा हमारा a माइनस 2b। अब a माइनस 2b हमारा दोनों साइड क्या है कॉमन है, तो हम ले लेंगे इसको बाहर, और अंदर बचेगा हमारा 2 माइनस x, और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। सो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट पर, जो है हमारा 5PH माइनस 10QK प्लस 2RPH माइनस 4QRK। सो इस क्वेश्चन को पहले हम नीचे उतार देते हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले बना लेते हैं ग्रुप, और एक इसका बन गया हमारा ग्रुप 2RPH माइनस 4QRK। सो इधर से हमारा कॉमन क्या है 5 कॉमन है, तो हमने 5 को ले लिया बाहर, अंदर बचेगा हमारा PH माइनस 5, 2 जो होता है 10, तो 2QK प्लस। अब इधर हमारा कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 2 जो क्या होता है 4 होता है, और हमारा साथ साथ R भी है कॉमन, तो 2R को ले लिया हमने बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा PH माइनस 2QK। अब देखो दोनों में सेम क्या क्या है, पीएच माइनस 2QK, यहां पर भी पीएच माइनस 2QK, तो इसको ले लेंगे हम बाहर, और यहां पर आएगा हमारा 5 प्लस 2R, और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पर उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस 2बी प्लस 2ab। तो इस क्वेश्चन को पहले हम नीचे लिख देते हैं। सो इस क्वेश्चन में पहले हम इस एक्स को करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो यहां हो जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स ए, अब देखो यहां है किसका साइन, नेगेटिव का साइन, और ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन है पॉजिटिव, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा हमारा नेगेटिव, और यहाँ पर एक्स इंटू 2बी हो जाएगा हमारा 2बी एक्स, और यहाँ पर प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम फर्दर सॉल्व। सो इधर से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पहले तो हम बना लेते हैं ग्रुप, और एक्स का बन गया हमारा ग्रुप 2bx। अभी प्लस है ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पर 2ab। सो सिंपली इधर से हमारा कॉमन क्या है x है कॉमन, तो x को हमने ले लिया बाहर, तो बचेगा हमारा x माइनस a माइनस, इधर हमारा कॉमन क्या है 2 और b कॉमन है दोनों साइड, तो हमने 2b को ले लिया बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस a। अब इधर दोनों x माइनस a क्या है हमारा कॉमन, तो इसको हमने ले लिया बाहर,
तो यहां पर हमारा बचेगा क्या, x माइनस टू बी, जो कि हमारा सिंपल सा आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट पर, जो है हमारा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमको ए बी को अंदर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और साथ ही साथ एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू क्या करेंगे हम वाई स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा हमारा ए बी वाई स्क्वायर। अब यहां पर है हमारा माइनस का साइन, पहले हम सिंपली ना इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारा एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। फिर साथ ही साथ हम पहले इसको सिंपली यहां पर लिख लेते हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये साइन क्या था, प्लस था, अब बाहर क्या है माइनस, तो माइनस साइन अंदर के प्लस साइन को चेंज कर देगा, तो यहां आ जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में पहले हम इनको थोड़ा कर देते हैं, ग्रुप में ले आते हैं, तो देखते हैं इनमें क्या क्या बन सकते हैं हमारे ग्रुप, दो ग्रुप कौन कौन से बन सकते हैं हमारे, एक तो यहां पर ए बी एक्स स्क्वायर, यहां पर हमारा एक्स वाई ए स्क्वायर। हम इसको लेते हैं, तो इधर हमारा एक ग्रुप बन गया ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, और एक ग्रुप बन गया हमारा प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। फिर इधर कॉमन हमारा क्या है, एक तो हमारा ए कॉमन है और हमारा एक एक्स कॉमन है, तो ए और एक्स को हमने ले लिया बाहर, सुंदर बचेगा हमारा बी एक्स, ये था हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स ले आए हम बाहर, तो बचेगा सिर्फ हमारा एक एक्स, यहां पर बी एक्स माइनस वाई ए, क्योंकि ए स्क्वायर था, एक ए को ले लिया हमने बाहर, तो बचेगा हमारा एक ही है, प्लस इधर हम कॉमन क्या लेंगे वाई और बी, तो वाई बी वाई को ले लिया हमने कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा ए वाई माइनस एक्स क्या बी, ये हमारा बच गया। अब देखो यहां थोड़ा सिमिलर सिमिलर सा कुछ लग रहा है आपको, हाँ सर, लेकिन किस चीज की प्रॉब्लम हमारी यहां पर है, माइनस का साइन, और यहां पर क्या है, यहां पर हमारा बी एक्स पॉजिटिव का है और यहां पर बी एक्स हमारा नेगेटिव का है, तो इसको सिंपल रिजॉल्व करने के लिए हम एक स्टेप को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और इस स्टेप को भी हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। सो इधर हम करते हैं ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, ये सिंपली हमारा जो था। अब फिर हम करेंगे माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। सो अब हम इनको ग्रुप के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस, अब अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, तो हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो माइनस ए बी वाई स्क्वायर। अब हम इधर देखते हैं हमारा कॉमन क्या है, सिंपल इसका कॉमन है सर, जो हमने पहले भी लिया था ए और एक्स, तो ए और एक्स हमारा आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा हमारा बी एक्स माइनस क्या वाई इंटू ए बी, अब माइनस इधर हमारा कॉमन क्या आएगा बी और वाई, बी वाई ले लिया हमने बाहर कॉमन, तो अंदर हमारा क्या बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा हमारा, बी एक्स माइनस वाई ए, और यहां पर बी एक्स माइनस ए वाई, मतलब ए वाई या वाई लिखे तो दोनों सेम ही होते हैं हमारे, तो इसको हमने भाग लिया है, तो अंदर यहां हो जाएगा हमारा बी एक्स माइनस ए वाई इंटू, अंदर क्या बचेगा हमारा ए एक्स माइनस बी वाई, और ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट पर, जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर
प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं। एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और साथ ही साथ हमारा क्या है बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब हम ये जो हमारे स्क्वायर से इनको ओपन करते हैं तो यहां हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और साथ ही साथ टू ए एक्स बी वाई। यहां पर प्लस इसको भी ओपन करते हैं तो यहां हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू बी एक्स ए वाई। अब देखो यहाँ पर सेम सेम कौन कौन से हमारे ये और ये और भाई यहाँ पर नेगेटिव को साइन है या पॉजिटिव को साइन है ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सारे सेम सेम है। यहाँ पर टू है यहाँ पर टू है यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है यहाँ पर एक्स है यहाँ पर एक्स है यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है यहाँ पर वाई है यहाँ पर वाई है और यहाँ पर साथ ही साथ प्लस माइनस का साइन है तो दोनों कट गए। अब यहाँ पर हमारा बचे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो अब हम बनाते हैं इनका ग्रुप तो एक ग्रुप बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां से हम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को ले लेंगे प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। दो ग्रुप बन गए। अब हम यहां पर देखते हैं हमारा कॉमन क्या है तो यहां पर कॉमन है हमारा ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर को ले आए हम बाहर अंदर हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साथ ही साथ यहां पर हमने बी स्क्वायर को ले लिया बाहर कॉमन क्योंकि बी स्क्वायर दोनों साइड था तो अंदर क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइड है तो दोनों में से ले लेंगे हम बाहर कॉमन और अंदर बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बच्चों ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट पर जो है हमारा ए क्यूब प्लस ए बी इंटू वन माइनस टू ए माइनस टू बी स्क्वायर। तो पहले सिंपली हम इस ए बी को अंदर कर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो यहां हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना माइनस टू ए बी इंटू टू ए हो जाएगा हमारा टू ए स्क्वायर बी क्योंकि ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर फिर बी आ गया माइनस टू बी स्क्वायर। अब हम बना लेते हैं इधर ग्रुप्स तो हमारा पहला ग्रुप क्या बन रहा है क्या बन रहा है क्या बन रहा है देखते हम देखते हम देखते हम बन गया हमारा पहला ग्रुप क्या ए क्यूब और माइनस टू ए स्क्वायर बी और फिर यहां पर बन गया हमारा दूसरा ग्रुप क्या ए बी माइनस टू बी स्क्वायर तो इनको हमने ले लिया ब्रैकेट के अंदर तो इधर से कॉमन हमारा क्या आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा कॉमन क्योंकि ए क्यूब क्या होता है हमारा ए स्क्वायर इंटू ए तो ए स्क्वायर ले लिया हमने बाहर कॉमन अंदर बचेगा हमारा ए माइनस टू बी प्लस इधर हमारा कॉमन क्या है बी कॉमन है तो बी को हमने ले लिया बाहर तो अंदर बचेगा हमारा ए माइनस टू बी। अब देखो सिंपली यहां पर हमारा कॉमन क्या क्या आ रहा है ए माइनस टू बी दोनों साइड तो इसको हम ले लेते हैं बाहर और यहां पर अंदर बच जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी। पहले जरा हम इसका आंसर कर देते चेक ये फोन का चीज का रहता है बिल्कुल हमारा आ गया सही करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट पर जो है हमारा
थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व, तो इसको हमने करना है फैक्टराइज। इन क्वेश्चनों को तो हमने कर दिया, अब इसको भी कर देते हैं हम कंप्लीट। तो यहां पर पहले हम बनाते हैं थोड़ा ग्रुप्स, तो ग्रुप क्या बन रहा होगा हमारा, ग्रुप बन क्या बन रहा होगा हमारा, एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया, एक ग्रुप बना हमारा ये बन गया, तो इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो यहां हमारा हो गया थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई प्लस, यहां बन गया हमारा ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व। अब देखो यहां कॉमन क्या क्या, एक तो थ्री कॉमन है, वाई कॉमन है और एक्स की पावर वन कॉमन है, तो इसको हमने ले लिया बाहर थ्री एक्स वाई, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हमारा कैसे होता है एक्स इंटू एक्स होता है, एक एक एक्स को हमने ले लिया बाहर तो बचेगा हमारा एक ही एक्स, तो हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन प्लस, यहां से हमने ले लिया ट्वेल्व को कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा एक्स माइनस वन। तो इन दोनों में से कॉमन हमारा क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन आ रहा कॉमन, और अंदर क्या बचा हमारा थ्री एक्स वाई प्लस ट्वेल्व। और इसका भी हम आंसर करते हैं चेक, बिल्कुल सही आंसर, बस इन्होंने एक स्टेप और बढ़ा रखा है, ये भी आंसर हमारा सही है, बस इन्होंने क्या कर रखा है यहां से थ्री को ले लिया कॉमन, तो हम थ्री को यहां से लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा एक्स वाई प्लस थ्री फोर ट्वेल्व होता है, तो हमारा परफेक्ट आंसर आ गया है थ्री इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस फोर एक्स एक्स इंटू वाई प्लस फोर। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे कितने टर्म्स, एक दो तीन चार पाँच, अब छह टर्म में से हमको एक ग्रुप बनाना है, उसके बाद उसको करना है फैक्टराइज। तो देखते हैं हम हमारा क्या क्या बन सकता है। सेम सेम लेना पड़ेगा, चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ ए स्क्वायर भी है, यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी सी है। तो बच्चों इधर हमारे बन गया ग्रुप, पहला ग्रुप है हमारा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, और दूसरा ग्रुप बन गया हमारा ये ए बी सी और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। तो यहां से माइनस का साइन है, तो अंदर साइन हो जाएगा हमारा चेंज, तो यहां हो जाएगा हमारा ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी। और हमारा तीसरा ग्रुप क्या बन गया, ये ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। तो इधर हमारा कॉमन क्या है, एक तो ए है और बी है, दोनों है, तो जो स्मॉल स्मॉल पावर है उसको हम ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा ए बी, अंदर बच जाएगा हमारा ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर था बी स्क्वायर था, इनमें से एक एक हम ले आए बाहर, तो अंदर कितने बचेंगे एक एक, यहाँ पर माइनस। अब इधर से हम बाहर ले लेंगे कॉमन क्या, सी और बी, सी को हमने ले लिया और साथ ही साथ हमने बी को ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर था एक बी को हम ले आए बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा ए की बी। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमारा एक्स वाई कॉमन है दोनों साइड, तो एक्स वाई को ले लेंगे हम बाहर, अंदर बचेगा हमारा ए प्लस बी। तो बच्चों इन तीनों में हमारे तीन कॉमन बनाए, क्या बनाए, ए प्लस बी, तीनों में, तो ए प्लस बी को हम ले आएंगे बाहर, अंदर बचेगा हमारा ए बी माइनस सी बी प्लस एक्स वाई। सो अब हम अपना आंसर करते हैं चेक, बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ के सेकंड पार्ट पर, जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन में बनेंगे हमारे तीन ग्रुप, तो हम बनाते हैं उन ग्रुप्स को। पहला ग्रुप बन गया हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस, फिर दूसरा बन गया हमारा ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, और हमारा तीसरा ग्रुप बन गया ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, तो इधर कॉमन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को लिया हम बाहर, अंदर बचेगा हमारा ए माइनस बी प्लस, यहां पर हमारा कॉमन क्या है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिया हम बाहर, अंदर बचेगा हमारा ए माइनस बी प्लस, यहां पर हमारा कॉमन क्या है जेड स्क्वायर, तो इसको हम लिया है बाहर, अंदर बचेगा हमारा ए माइनस बी।
इन तीनों में हमारा कॉमन क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी को ले आएंगे हम बाहर और अंदर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका भी हम आंसर करते हैं चेक। और बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट है हमारा x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। तो इन दोनों क्वेश्चन को तो हमने कर लिया सॉल्व, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इस x माइनस वन का होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, सिंपली हमारा क्वेश्चन कुछ स्टेप्स में हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप एक चीज कर रहे हो नोटिस, यहां पर x माइनस वन, यहां पर हमारा x माइनस वन, तो इधर भी हमारा x माइनस वन बन सकता है। तो पहले हम बना लेते हैं इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो एक ग्रुप बन गया हमारा x माइनस वन माइनस, एक ग्रुप बन गया हमारा x माइनस वन होल स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन इंटू x माइनस वन प्लस एक ग्रुप बन गया हमारा ए एक्स माइनस ए। सो इधर से कॉमन क्या है हमारा, वन ही है कॉमन, तो वन को ले आए हम बाहर माइनस वन। इधर भी हमारा कॉमन क्या है, वन ही है, और इधर हमारा कॉमन क्या है, ए कॉमन है यहां पर, तो ए को हम ले लिया कॉमन और अंदर हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन। अब देखो तीनों में हमारा एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन है कॉमन। तो देखो अगर हम इस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर को ओपन करते फिर हमारे लिए थोड़ा हो जाता कंफ्यूजन क्रिएट कर देता हमारे लिए। तो हम सिंपली x माइनस वन को इन तीनों जगह से ले लेंगे बाहर कॉमन, अंदर बचेगा हमारा 1 माइनस x माइनस वन प्लस a, क्योंकि हम a की x माइनस वन को ले ही जा सकते हैं ना बाहर, तो ये बचा। तो इधर हमारा आ जाएगा x माइनस वन इंटू वन माइनस, अब ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ जाएगा माइनस एक्स अब प्लस वन और यहाँ पर प्लस ए। तो इधर हमारा सिंपली आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू वन माइनस सॉरी वन नहीं वन प्लस वन टू माइनस एक्स प्लस ए। और इसका आंसर हम करते हैं चेक। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको बनाने पड़ेंगे तीन ग्रुप और उस ग्रुप के अंदर हमको ऐसा लाना पड़ेगा ताकि हम उसको ले सके बाहर कॉमन। तो एक ग्रुप बना लेते हैं ए एक्स और बी वाई का और एक इन दोनों का, तो एक हमारा बन गया ए एक्स प्लस बी वाई का प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई का, ये तो पहले से बन रखा है रेडीमेड बोल सकते हैं हम इसको। So, इधर से हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने और यहां पर हमारा कॉमन क्या है, वन कॉमन है क्योंकि जिसका कुछ नहीं उसका क्या वन, और यहां पर बी वाई प्लस इधर से हमारा कॉमन क्या क्या है, एक तो हमारा ए कॉमन है तो ए कॉमन है बस हमारा ए की पावर वन, तो इसको हमने लिया है बाहर, तो अंदर बचेगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अब देखो तीनों में हमारा कॉमन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो इस कॉमन को ले आएंगे हम बाहर और अंदर बचेगा हमारा क्या वन प्लस ए माइनस ए कॉम ले आए थे बाहर, तो एक हमारा बच जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई, तो इधर हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वन प्लस ए। आप देखो हम ब्रैकेट को कर रहे हैं ओपन, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। और इस तो बच्चों इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे तो इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और बच्चों साथ ही साथ हमारे चैनल जीनियस क्लासेस का ऑफिशियल ऐप आ चुका है प्ले स्टोर में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।